क्रांति चौक से पूरनपुरा जाने वाले रोड पर दो पेड़ काट दिए, जिससे दो बिजली के खंभे भी टूट गए। लिहाजा बिजली गुल होने से लोग परेशान हुए। सूचना के बाद कंपनी के एई अखिलेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सतपाल शर्मा धन्यवाद। भाई साहब लाइट चालू है या बंद हो गई? अब कुछ नहीं होंगे, चाहते थे ना सर। आपका शुभ नाम क्या है? अभिनीत जी, ये जो दो पेड़, एक तो पेड़ कटा गया है जिसकी वजह से एक सूखा पेड़ गिर गया और दो बिजली के खंभे गिर गए, कितना नुकसान हुआ और नुकसान की वजह क्या है, आपको पता है कुछ? नुकसान की वजह पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। पेड़ काटा गया, किसके माध्यम से कटा था? ये हमारी जानकारी नहीं है, हम उसी की खोज करने के लिए ताकि उसके नाम से पाया जाए। यहाँ एक है, एक उधर के केबल टूटे हुए हैं। अच्छा, दो पोल गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ होगा? 25 से 30 हज़ार। यहाँ पर देखा ज़्यादा की लेबर कॉस्ट है, कौन काम करेगा? पोल की तो क्या, पोल की कीमत तो 1200 है। पूरी सप्लाई चालू करने में कितने समय लगेगा? सर यहाँ से लगभग कितने घरों को विद्युत जा रही थी सर? 20 से 25 घर। ठीक है सर। बहुत देर तक खंभा गिरा था, उसके बाद भी बहुत टाइम तक बिजली चालू रही? या बहुत देर तक नहीं, या ना किसी के ढंग की ने सूचना दिया या किसी चीज़ों की ऑटोमेटिक चीज नहीं। और जब कुछ केबल कहीं से कहीं टच होता है तो ऑटो ट्रिप होती है, वहाँ पे ऑटो ट्रिप लगा हुआ है। सर ये और इसकी जानकारी प्राप्त हुई कितने कट पाए? सर कोई जानकारी में नहीं है। ये जानकारी लगी कहीं ना कहीं पेड़ काटने की वजह से ये दुर्घटना हुई है? पेड़ काटने से ही और कोई अन्य कारण नहीं? पेड़ काटने वाले पे FIR होगी? नाम ही चला नानू कस्बा। कुशवा जी, ये पेड़ आप काट रहे थे जी? किसने कहा था पेड़ काटने? पप्पू ने कहा था। कौन? पूरा नाम जानते हैं? पप्पू जी बगल में रहते हैं। क्या नाम है उनका? अच्छा, बगल में चल के पूछे, मुझे पूरा नाम ही याद नहीं है। नहीं तो जो हरे पेड़ काट रहा है वो सरकारी रोड पे खड़े हुए, इनको परमिशन ली है? जी यार, साहब के थे बगल पप्पू जी का था। पप्पू जी कौन है? इधर देख के जी। पप्पू जी कौन है? जी बगल में ही, अपने बगल में। कौन है और जमीन कौन की है? भाई साहब कोई जाने, अपन तो मजदूरी से काट रहे हैं भाई साहब। जैसे आपने बताया था, कितनी मजदूरी से है? अपन भाई साहब 1500 रुपये में काट रहे हैं। हरे वाले पेड़ 1500? हरा नहीं, वन सूखा पेड़ काट रहे हैं। हरा पेड़ काटा पड़ा है जो जो यार साहब ने कटवाया था। हाँ, तो ये भी तुमने ही काटा था? जी भाई साहब। इसकी कोई परमिशन नहीं देगी तुमने पेड़ काटने से? भाई साहब हम तो मजदूरी से काट रहे थे, हमें परमिशन नहीं पता, हम खड़े हमें सब परमिशन। यादव कौन? अभी आपने किसी और भी किसी के नाम दिया था, उनने कटवाया? पप्पू ही कटवाया। बहुत नहीं, एक नाम यादव बता रहे थे। यादव साहब कौन है? यादव के बगल में छत्रपाल शर्मा जी की तरफ से भी आया था। छत्रपाल शर्मा जी के वो मुनीम ने कटवाया था, वो पेड़ा सूखवाया था। अच्छा, उनका ही मुनीम है जी? पप्पू भैया। हाँ, उनने कटवाया था जो पेड़ा सूखवाया।